Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है सोमवार, यानी कि 2024 नया साल का पहला दिन, और ये व्लॉग है 31 दिसंबर 2023 का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द लाइफ स्टाइल टेल्स विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. आप सभी का नया साल बहुत बहुत अच्छा जाए, आप सभी स्वस्थ रहें और खूब भरे पूरे रहें. माता रानी प्रभु की कृपा आप सभी पर बरसे. सो यहाँ सुबह का समय है तो बहुत सारे काम मैं कर चुकी हूँ और पूजा हो गई है. आप सभी को नए साल में सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग. और यहाँ पूजा तो हो गई थी, उसके बाद में मेरा एस्ट्रो पता है बहुत देर से बैठ के खिड़की से मुझे देख रहा है. अच्छा, कमेंट सेक्शन में बहुत बार ये कमेंट आता है कि एस्ट्रो बहुत दुखी है, डिप्रेशन में है. डियर, ऐसा कुछ भी नहीं है. एस्ट्रो क्या, कोई भी आप पेट रखोगे तो जब उसकी एज थोड़ी बढ़ती है ना, तो वो भी ग्रोन अप होता है और थोड़ा सा शांत पहले से होता है. सो 2 से 3 बार नीचे भी जाता है, घूमता फिरता है, और पहले जैसा इतनी ज़्यादा बदमाशी नहीं करता है, बट अभी भी अगर उसको टाइम मिलता है ना, तो सामान चीड़ फाड़ करने में कोई कमी नहीं रखता है. और यहाँ बाज़ार से मंगा ली थी कुछ साग सब्जियाँ, और नया साल है तो बनाई थी एक बढ़िया सी थाली. पता है कितने की है? सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये की ये 2 गोभी. आज साल का लास्ट डे है, 2023 आज खत्म हो जाएगा, 2024 लग जाएगा. सोच रही बच्चों की पसंद का कुछ बनाऊं. और सबसे पहले मैं हॉट बॉक्स से रोटी निकाल के गई हूँ सीधी छत पे, और छत से जब वापस आई हूँ तब मैंने पूरा जो खाना बनाने का कार्यक्रम है वो स्टार्ट किया है. और सारा सामान मैंने जो मंगवाया था तो उसी के साथ में मैंने आधा किलो बटर एक ही बार में मंगवा लिया था, क्योंकि पाव भाजी में बटर लगना ही लगना है. सारी पाव जो सेकनी है, और थोड़ा बहुत भाजी में भी डलता ही है, एंड सैंडविच है, सब कुछ है, तो सब खाते पीते भी हैं. बटर था भी नहीं, जो डब्बे में थोड़ा दिख रहा है ना आपको, बस इतना ही सा था. तो ऑलमोस्ट मैंने 200 ग्राम शायद होगा, 200 ग्राम के करीब इस तरीके से पीसेस में कट कर दिया, क्योंकि पूरा फ्रिज वाला जो बटर होता है ठंडा, वो आया था बाहर से. तो जब तक ज़रूरत पड़ेगी इसकी तब तक ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा. सो बाकी का उठा के रख दिया फ्रिज में. और यहाँ सबसे पहले चढ़ा रही हूँ एस्ट्रो के लिए खाना. तो ये बीन्स और गाजर वगैरह डाल रही हूँ, और स्पेशली मैं उसके खाने में डालती हूँ जो कद्दू होता है, कासी फल, पका हुआ या कच्चा दोनों ही यूज़ करती हूँ मैं. तो वो मैंने उसका खाना चढ़ा दिया, और यहाँ तैयारी कर रही हूँ पाव भाजी के लिए. तो यहाँ बड़े बड़े मैंने 4 टमाटर लिए हैं, और ये देखिए कितनी आसानी रहती है अगर छील के रख लो. तो 2 बड़ी पुथी के करीब मैंने लहसुन डाला है. सो अच्छा खासा ही लहसुन इसमें लगता है और टेस्ट भी अच्छा आता है. तो बस टमाटर और लहसुन, इसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया था. और ये गोभी वगैरह सारा सामान मैंने हस्बैंड से ही मंगवाया था, तो 20 रुपये की 2 गोभी आ गई थी. तो वही मैंने बोला कि एक मैं यूज़ कर ले रही हूँ, तो एक फ्रिज में रख देते हैं, बाद में पकौड़े वगैरह या सब्जी कुछ भी बन जाएगी. एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे स्टार्ट हुई हूँ मैं पाव भाजी की प्रिपरेशन के लिए. तो देखिए मैंने अपना तरीका आपके साथ शेयर किया है. 2 या 4 किस्म से बनाई जाती है पाव भाजी, एक्चुअली बहुत टाइप से बनाई जाती है. सबसे ज़्यादा जो इजी वे होता है वो होता है कि एक साथ में सारी सब्जियों को बॉयल कर लो और फटाफट बन जाती है. और मैं इस तरीके से बनाती हूँ, मैंने स्टार्टिंग से ऐसे ही खिलाया बच्चों को, तो एक क्रंच आता है गोभी का और बीन्स वगैरह का, तो बहुत अच्छा लगता है. तो फिलहाल यहाँ पे चढ़ा रही हूँ आलू, ये नए आलू ही हैं, तो इनको तो इतनी मतलब घिस घिस के छीलना बहुत मतलब हेडेक वाला काम है. तो एक बार में मैंने 2 पीस करके बॉयल करने के लिए चढ़ा दिए, बाद में छीलूँगी. और यहाँ पर कट कर लिया था सारी वेजीज मैंने, तो बीन्स और शिमला मिर्ची, गोभी, आलू, मैंने जस्ट यही डाला है. मैंने गाजर वगैरह नहीं डाला, मटर भी डालते हैं बट मैंने डाला नहीं है. इतना ही मतलब वेजीज काफ़ी है, और बहुत सारी, ढेर सारी हो गई थी, और क्वांटिटी भी मैंने ज़्यादा ही बनाई है. तो बस यहाँ पे एक साइड में तो बन रहा है एस्ट्रो का खाना जिसमें सीटियाँ लग रही हैं, और एक तरफ चढ़ा हुआ है आलू. सो यहाँ पर ये जो घिस के बनाते हैं, तो मैं बस घिस रही हूँ, जैसे पराठे वगैरह के लिए जो गोभी घिसी जाती है,
तो इससे बहुत अच्छा क्रंच आता है पाव भाजी में। सो देखिए कितने बढ़िया एकदम लच्छे निकल के आए हैं गोभी के, और इसका टेस्ट बहुत बहुत अच्छा आता है पाव भाजी में, और क्रंच भी बहुत अच्छा आता है। सो मेहनत वाली पाव भाजी है मगर एक नंबर है टेस्ट में, बहुत बढ़िया लगती है खाने में। सो पूरी ही एक गोभी मैंने अच्छी तरीके से पहले क्लीन कर ली थी, उसके बाद में यहाँ पर मैंने घिस लिया था इसको, और उसके बाद में फिर एकदम जैसे ये सब थोड़ी साग सब्जियाँ काटने में घिसने में जो मेहनत है, तो आलू जो है उसको कितना मैश किया जाता है कढ़ाई में, तो वो पहले ही काम मैं कर लेती हूँ, तो उससे पाव भाजी ईजी हो जाती है। सो कढ़ाई में डालने से पहले ही पूरी इस तरीके से मैश कर लीजिए, यानी कि पूरा हाथ से एकदम हलवा टाइप आलू कर लीजिए, ताकि कढ़ाई में कोई मेहनत ही ना करनी पड़े मैश करने के लिए। और सब्जियाँ जो हैं उनको मैश करने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ही बारीक हैं। गोभी घिस दी है और बीन्स वगैरह छोटी छोटी काट दी है, तो हल्का क्रंच भी रखना है, तो सब्जियां जैसी कटी हुई हैं वो परफेक्ट है, उनको और मैश करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ अच्छी तरीके से आलू को मैश कर लिया है, उसके बाद चढ़ाई है मैंने कढ़ाई। और कढ़ाई में मैंने डाला है रिफाइंड ऑयल, और पूरे ही कढ़ाई में मैं स्प्रेड कर रही हूँ ऑयल को, इससे बस वही है कि खाना वगैरह बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। तो तेल हो गया था गरम, और यहाँ पे जो टमाटर और लहसुन मैंने पीसे थे बस वो डाला है, कोई भी मैंने एक्स्ट्रा कुछ किसी चीज़ का जैसे तड़का वगैरह लगाया नहीं है, बस डायरेक्ट इसी को डाला है मैंने। और मसाले को 1-1.5 मिनट तक मैंने भुना है, और उसके बाद में इसमें ऑयल रिलीज़ हो गया है, तो हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर डाला है, हल्दी की क्वांटिटी थोड़ी कम रखिएगा, और 2 टीस्पून के करीब मैंने डाला है पाव भाजी मसाला, तो एक अच्छा मिक्स दिया है। और उसके बाद इसको 1-1.5 मिनट के लिए स्लो गैस पर मैंने ढक दिया था, और बस 1-1.5 मिनट के बाद ही मैंने कढ़ाई का ढक्कन खोला है, ऑयल अच्छी तरीके से रिलीज़ हो गया और मसाला भी बहुत अच्छे से भुन गया है। तो अब इसमें डाल रही हूँ गोभी, और जो भी मुझे वेजेस डालनी है मैंने डाली है शिमला मिर्ची, बीन्स और गोभी, तो बस मैंने फ़िलहाल यही डाला है। आप गाजर मटर वगैरह भी डाल सकते हैं, अपनी पसंद की कोई भी वेजेस आप डाल सकते हैं। तो बस इसको एक अच्छा सा मिक्स दे रही हूँ, और अभी फ़िलहाल इसको मैं भुनूंगी, उससे पहले मैं हल्का सा इसमें नमक डाल रही हूँ, नमक तो बाद में भी बैलेंस किया जाएगा, फ़िलहाल इसमें डाल रही हूँ ताकि जो बीन्स वगैरह हैं वो अच्छी तरीके से गल जाए। सो थोड़ी देर के लिए मैंने ढक दिया था, और उसके बाद मैंने कढ़ाई का ढक्कन खोला है, आप देख सकते हैं नीचे बिल्कुल भी लगा नहीं है, मतलब जला नहीं है, तो स्लो गैस पर ही था, और बहुत ज़्यादा सब्जियां पकानी नहीं है, एक क्रंच भी रहना चाहिए, तो उस हिसाब से स्लो गैस पे 2-2.5 मिनट के लिए ढक दिया था। और जो आलू मैश किए थे बस उसको डाल के मैंने एक बढ़िया सा मिक्स दिया है, और जिस जार में टमाटर और लहसुन पीसा था उसी में पानी हिसाब से डाल के हिला के उसको मैंने इसमें डाल दिया है, तो वो मसाला भी काम में आ गया। और पाव भाजी जब हम बाहर भी खाते हैं तो हल्की सी रनी कंसिस्टेंसी रहती है उसकी, तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा जैसे भात की तरह एकदम गाढ़ी गाढ़ी अच्छी नहीं लगती है। और इस टाइम पे डाला है मैंने नमक मिक्स करके, और यहाँ मैंने 2 नींबू का रस निकाल लिया था, फ़िलहाल मैंने आधा ही डाला है, आधे से ज़रा सा ज़्यादा थोड़ा बचा लिया था मैंने, उसके बाद फिर मैंने टेस्ट किया है बाद में तो हल्का कम था, बाद में फिर डाला है। और यहाँ फिर से मैंने 1 चम्मच पाव भाजी मसाला डाला है, और 1/2 टीस्पून मैंने डाली है कश्मीरी लाल मिर्ची, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और देखिए कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है इस टाइम पे, क्योंकि इसमें आलू है, और अगर आप ज़्यादा गाढ़ी जैसे उतारेंगे सब्जी को तो बाद में वो और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, तो नींबू ज़रा सा कम था वो जो बचाया था वो डाल दिया, और नमक भी थोड़ा सा कम था सो वो भी बैलेंस कर दिया। तो यहाँ पाव भाजी की भाजी बिल्कुल बन के रेडी है, बहुत अच्छी बनती है, इस तरीके से आप ट्राई करके देखिएगा। हरे धनिया से मैंने कर दिया है गार्निश, और ये जो ऊपर से डालते हैं ना भाजी में प्याज मिर्ची और हरा धनिया, तो वो मैंने पूरा कट करके एक साइड में रख दिया था, क्या आप जब भी बाहर से खाते हैं तो आप देखिएगा भाजी के ऊपर से डाल के देते हैं, और मैं तो हमेशा ही घर में इस तरीके से डालती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। सो ये काट करके मैंने रख लिया था। Thank you.
तो दो तरीके की पाव आप सेक सकते हैं पाव भाजी के लिए। तो ये तो मैं जो बना रही हूँ ये मसाला पाव है जो हमें बाहर मिलती है। सो बटर डाला है, थोड़ी सी वही वाली भाजी डाली है और ऊपर से डालूंगी हल्का सा हरा धनिया। आप चाहें तो थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी इस टाइम पे डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली है, ऐसा इतनी नीड नहीं है। बस उसमें ब्रेड को अच्छी तरीके से आप इस तरीके से उलट पलट करके सेक लीजिए और बिल्कुल मसाला पाव रेडी हो जाएगी। और एक वो तरीका है जो सबसे सिंपल वाला है जिसमें सिर्फ बटर लगा के सेक लीजिए। तो दोनों ही तरीके हैं, आपको जो पसंद आए। फिलहाल मैंने ये ब्रेड जो सेकी है वो सेकी है हस्बैंड के लिए, तो सबसे पहली थाली लग रही है हस्बैंड की क्योंकि बच्चे तो सो रहे थे, बाद में बच्चे एक एक करके उठे हैं, फिर उन लोगों ने खाया है एंड देन इनकी थाली मैंने लगाने के बाद में फिर मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए हैं और उसके बाद में फिर कपड़े गलाए हैं एंड देन उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया है मूंग दाल का हलवा बनाना। तो ये जो रेसिपी मैं अभी आपको दूंगी मूंग दाल के हलवे वाली, बहुत ही इजी है और बिल्कुल इंस्टेंट वाला मूंग दाल हलवा आप इसको बोल सकते हैं। सो बस ये लग गई थी प्लेट और इसके बाद फिर मैं सीधी गई हूँ बालकनी में। और एस्ट्रो है ना, ये भी सोने के मामले में मास्टर है, बहुत लंबा सोता है और ठंड में मैं देख रही हूँ कुछ ज़्यादा ही सो रहा है। खाना खाता है फिर सो जाता है, खाना खाता है सो जाता है और जब इसका वॉक का टाइम आता है तो फिर वॉक करके आ जाता है। तो आजकल जैसे पहले इतनी ज़्यादा जो बदमाशी किया करता था वो फिलहाल अभी नहीं करता है, बट यही है कि कोई सामान अगर इसके मुँह में आ जाए पकड़ ले तो फिर उसको चीड़ फाड़ करने के बाद ही छोड़ता है, फिर तो वो अपनी पे आ जाता है। सो बस यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन में लगाए हैं कपड़े और जो खोली चद्दर है बेडशीट वगैरह जो चेंज की थी तो वो तो मैंने सोच रखा था कि इसको हाथ से ही धोना है और मेरे हाथ में है बहुत समय से तकलीफ, जो राइट वाला शोल्डर है उसमें बहुत दर्द है मुझे। तो मैंने बस एक दिन पहले अपनी हाउस हेल्पर से बोला था कि मैं गर्म पानी में गला दूँगी तो आप आके थोड़ा ब्रश मार के अच्छे से वॉश कर देना। सो उन्होंने ही धोया है, मैंने तो सिर्फ गला के रख दिया था। गरम पानी में इस तरीके से गला दो, वैसे तो प्लास्टिक का ये गमला है जिसको टब बोलते हैं, तो पहले तो मैंने इसमें ठंडा पानी डाला है फिर ऊपर से गरम पानी डाला है, बढ़िया गरम पानी, और सर्फ डाल दिया है और गला दिया है। तो बहुत अच्छी साफ़ हो गई चादरें, इस तरीके से अच्छी हो जाती हैं क्योंकि फिर उठने बैठने में सोने में बहुत गंदी हो जाती हैं चादर, और लाइट कलर की हो तो और भी ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। सो यहाँ गला के रख दिया था और यहाँ सबसे पहले बना रही हूँ चाशनी। तो हलवा मैं चाशनी का बना रही हूँ, आप इसको मूंग दाल का शीरा भी बोल सकते हैं, मूंग दाल का हलवा भी बोल सकते हैं। तो रेशियो कुछ इस तरीके से है कि 2 ग्लास मैंने पानी लिया है, जितनी मूंग दाल उतनी ही चीनी और उतना ही घी आप लेंगे। इसमें मैंने 2 टीस्पून दूध डाला था, वो मैंने शूट नहीं किया है, जितनी गंदगी थी वो निकाल दी, और बस यहाँ केसर मैंने डाल दिया है। तो अलग से आपको फूड कलर वगैरह डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और केसर नहीं आपको डालना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे चाशनी कुछ ऐसी बनानी है कि इसमें बिल्कुल भी कोई तार नहीं बनाना है, बस चीनी गल जाए, एक चिपचिपापन जो होता है, देखिए तार बिल्कुल नहीं बन रहा है, तो बस ऐसी ही चाशनी इस हलवे के लिए चाहिए। सो ये चाशनी बनके बिल्कुल रेडी हो गई थी, तो एक तरफ मैंने ढक के रख दिया और यहाँ ले ली है मैंने 2 कटोरी दाल, जितनी मैंने चीनी ली है उतनी ही दाल ली है। तो अच्छी तरीके से वॉश कर ले रही हूँ 2-3 पानी से, ताकि जो भी जो पाउडर फॉर्म का जो भी इसमें रहता है कोटिंग वो सारा निकल जाए। तो इसको अच्छी तरीके से वॉश करके, और आपको सुखाना तक नहीं है दाल को, बिल्कुल इंस्टेंट वाला हलवा जो होता है उसकी रेसिपी आपको शेयर कर रही हूँ। तो बस इसको वॉश कर लिया था और ये देखिए बिल्कुल पानी नहीं टपक रहा है, पानी पूरा रिंस हो गया है, बहुत जल्दी हो जाता है मूंग दाल में स्पेशली, बहुत जल्दी हो जाता है। तो बस इसको मैंने अभी कढ़ाई में फ़िलहाल कुछ भी नहीं डाला है, ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, और इतना इसको रोस्ट करना है, बिल्कुल स्लो रहेगी गैस, गैस को तेज़ मत कीजिएगा नहीं तो दाल का कलर भी चेंज हो जाएगा, जल भी जाएगी और अच्छी भी नहीं बनेगी। देखिए नीचे बिल्कुल नहीं जली है, चलाते हुए
और इसको मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी हल्का सा मॉइस्चर मुझे फील हो रहा था, फिर से मैंने इसको कम से कम 7 से 10 मिनट इस तरीके से रोस्ट किया है मैंने। और उसके बाद में ये बिल्कुल, ये देखिए कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ दिया है दाल ने, और एकदम जैसे क्रंची हो गई है, क्रिस्पी हो गई है। तो ये मिक्सर ग्राइंडर में बहुत अच्छे से पिसेगी। सो मैंने गैस को कर दिया था बंद, और थोड़ा ठंडा करने के बाद दाल को मैंने पीस लिया है। और यहाँ डाला है फ़िलहाल मैंने 1 कटोरी से थोड़ा ऊपर ही घी डाला है, 2 चम्मच सूजी डाल रही हूँ, 2 चम्मच ही बेसन डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी, एक अच्छी खुशबू आने लगेगी, अरोमा आएगा, उसके बाद डालूँगी मूंग दाल का जो पाउडर बनाया है उसको। तो देखिए कितना बढ़िया पिस गया है। एक दरदरापन रहना चाहिए इसमें, तभी हलवा भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो बनाते हैं ना जैसे दानेदार टाइप, तो बिल्कुल वैसा ही बनेगा। तो है ना इंस्टेंट रेसिपी, वरना आप सभी को पता है जो भी बनाते हैं 3 से 4 घंटा या 5 घंटा दाल को गला के रखना पड़ता है, उसके बाद उसका मतलब पानी निकाल के उसको थोड़ा सुखाना पड़ता है, फिर पीसना पड़ता है, तब कहीं जाके प्रिपरेशन हो पाती है मूंग दाल के हलवे की। तो इस तरीके से आप जब मन करे आपका तभी आप बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई झंझट नहीं है, तुरंत ही बन जाता है। और चलाते हुए मैंने भुना है पूरा, 1 सेकंड के लिए भी मैंने छोड़ा नहीं है। देखिए कलर कितना सुंदर कलर आ गया है। सो अब इसमें डालूंगी जो चाशनी मैंने बनाई थी, तो थोड़ी थोड़ी करके डालूंगी, एक बार में पूरी नहीं डालूंगी। और बाद में मैंने इसमें दूध भी डाला है 1/2 ग्लास के करीब। तो अभी फ़िलहाल चला रही हूँ। इस तरीके से ऊपर से जो चाशनी डालते हैं ना, इससे हलवा और भी ज़्यादा दानेदार हो जाता है। जैसे कि बेसन का लड्डू बनाते हैं, उसमें जो पानी के छींटे मारते हैं उससे दानेदार हो जाता है, तो ऐसे ही इससे भी दानेदार हो जाता है। तो थोड़ी थोड़ी करके मैंने चाशनी डाली थी, तो रेशियो मैंने आपको बता दिया। अगर 1 कटोरी दाल है तो 1 कटोरी ही चीनी, 1 कटोरी ही घी, और पानी तो इसमें मैंने डाला ही नहीं है, और 1/2 ग्लास या 1 ग्लास के करीब आप दूध डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा इलायची पाउडर मैंने डाला है, कूट लिया था, तो बस उसको मैंने डाल के मिक्स किया है। थोड़ा गाढ़ा हो गया है हलवा, तो मैंने डाला है 1/2 ग्लास के करीब दूध, और ये पका हुआ दूध है रूम टेम्परेचर पर, ठंडा या गर्म नहीं है। तो बस इसको डाल के अच्छी तरीके से एक मिक्स दिया है मैंने इसको। और अब इस हलवे को बिल्कुल छोड़िएगा नहीं अगर आप बना रहे हो, क्योंकि ये बहुत जल्दी फिर जलने लग जाएगा। और देखिए चलाते चलाते और भी ज़्यादा ये गाढ़ा हो गया है, तो मैंने इसमें मावा का भी यूज़ किया है। आप चाहें तो टोटली ऑप्शनल है, मगर टेस्ट अच्छा आता है। अगर आपको नहीं डालना है तो आप मत डालिए। सो मैंने इसमें कम से कम 2 टेबल स्पून के करीब मावा डाला है। दिया है एक बढ़िया सा मिक्स, और इसको छोड़ना तो है ही नहीं, आप देख सकते हैं बिल्कुल गाढ़ा हो गया ये। अब इसको इस तरीके से भुनना है, इतना भुनना है कि देखिए पूरी हलवे ने कढ़ाई को छोड़ दिया है, तो और घी भी सेपरेट हो गया है। तो शादियों वाला जो मूंग दाल का हलवा होता है ना, बस वही है। डाल रही हूँ ऊपर से खरबूजे के बीज, यानी कि चाल मगज, इसका टेस्ट हलवे वगैरह में अच्छा आता है। और बादाम, काजू और पिस्ता लिए हैं, आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। तो घी को पहले मैंने हल्का सा मेल्ट करके गैस को बंद कर दिया था, उसके बाद ऊपर से सारा ड्राई फ्रूट डाला है, और एकदम लाइट जो फ्राई बोलते हैं वो करके, और ऊपर से लगा रही हूँ हलवे में ड्राई फ्रूट का छौंका। तो यहाँ लगा दिया है ड्राई फ्रूट का छौंका, और इतना ज़बरदस्त हलवा बना था कि आपको क्या बताऊँ। अब तो एकदम ज़रा सा बचा हुआ है, बस कल ही बनाया था। बहुत अच्छा बना था, बिल्कुल शादियों वाला। तो है ना, इंस्टेंट भी है और टेस्टी भी है। सो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अब फाइनली आपको करके दिखाती हूँ नए साल की स्पेशल थाली की प्लेटिंग। Thank you.
प्लेटिंग हो गई है ऑलमोस्ट कंप्लीट, और जो ड्राई फ्रूट मैंने फ्राई किया था बस उसमें से ज़रा सा निकाल के रख लिया था हलवे में ऊपर से गार्निश करने के लिए। सो हमने तो मनाया अपना नया साल कुछ इस तरीके से, बस घर पर ही थे, कहीं नहीं गए थे, और घर पे ही रहती हूँ मैं तो नए साल में, कहीं भी नहीं निकलती हूँ, आज से नहीं हमेशा से ही। तो बस इतना बढ़िया, जब हमने घर में ही बनाया है खाना तो फिर बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। सो ये थी हमारी नए साल की स्पेशल वाली पाव भाजी, और ये है हलवा। तो आई होप कि आपको नए साल वाली थाली पसंद आई होगी। सो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो एंड रेसिपी दोनों ही आपको पसंद आए होंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आती है तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा।